हेलो, वेलकम टू माय चैनल बिग गाय। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारी साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 1 और 2 कराया था, और आज मैं चैप्टर 3 लेके आई हूँ। ओके, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन हमेशा की तरह, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है? तो चलिए कंटेंट देख लेते हैं एक बार फिर से। चैप्टर 1 और 2 करा चुकी हूँ मैं आपको, और आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 3 लेके आई हूँ, फाइबर टू फैब्रिक। इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो आज हम जो है यही टॉपिक, यही चैप्टर चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आप हर पॉइंट को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है? सो लेट गेट स्टार्टेड। फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक। अ फैब्रिक इज एनी मटीरियल ऑफ क्लॉथ दैट वी यूज, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, वुल, सिल्क, नायलन, पॉलिस्टर। फैब्रिक क्या है? एक मटीरियल है, कपड़ा है, कपड़ा जो हम यूज़ करते हैं। वो मटीरियल कॉटन हो सकता है, जूट हो सकता है, वुल, सिल्क, नायलन, पॉलिस्टर हो सकता है, ठीक है? फैब्रिक इज मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड। जो फैब्रिक्स हैं वो किससे बनते हैं? थ्रेड से बनते हैं, धागे से बनते हैं, और उस थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? यार्न बोलते हैं, ठीक है? व्हेन यू अनट्विस्ट अ यार्न टू लूजन इट, यू सी दैट इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। देखिए, आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो कपड़ा है कई बार जैसे कि फट जाता है, तो आप जो उसके थ्रेड को देखेंगे ना, यार्न को देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि उस यार्न में, एक सिंगल यार्न में जो है बहुत सारे पतले पतले धागे टाइप के होते हैं, ठीक है? वो जो पतले पतले धागे हैं उसको हम स्ट्रैंड्स बोलते हैं, और वो धागे ही फाइबर्स हैं, यानी कि वो फाइबर, वो बेसिक यूनिट जिससे हमारा क्लॉथ बनता है, ठीक है? Therefore, we can say that fabric is made up of yarn and a yarn is in turn made up of fiber. Means, fabric जो है वो yarn से बनता है और yarn बनता है fiber से, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने types के fibers हैं। There are two types of fiber. First is natural fiber and the second is synthetic. ठीक है, दो तरीके के फाइबर्स मिलते हैं हमें, नेचुरल और सिंथेटिक। तो देखिए नेचुरल में क्या क्या है और सिंथेटिक में क्या है, हम इसको जानेंगे, ठीक है? नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स विच आर मेड और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल। जो फाइबर्स हमें नेचुरल वे में मिलता है प्लांट से और एनिमल से, उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? देखिए कॉटन, जूट। कॉटन और जूट जो है वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। कॉटन का और जूट का प्लांट होता है, ठीक है? हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी इनके प्लांट्स की, ठीक है? फिर है आपका वूल। वूल जो है हमें एनिमल से मिलता है, और एनिमल कौन? शीप और गोट की जो फ्लीस होती है, उनके जो हेयर्स होते हैं ना उनकी बॉडी पे, उनसे बनाई जाती है, ठीक है? फिर है आपका सिल्क। आपको पता है सिल्क जो है वो किससे बनता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है? सिल्क के कपड़े बनते हैं, सिल्क भी मिलता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में कॉटन की सीड दिखाई हुई है, ठीक है? ये प्लांट है कॉटन का, और जिस पे देखिए कॉटन लगे हुए हैं, इसको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, उन बॉल के अंदर कॉटन होता है। जब कॉटन अच्छे से डेवलप हो जाता है तो ये बॉल फूट जाते हैं और कॉटन जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है? देखिए कॉटन का एग्जांपल है, देखिए कॉटन की साड़ियाँ और बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स बनते हैं आपके कॉटन से, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए शीप है यहाँ पे, शीप की स्किन का यूज करके क्या किया हुआ है, कपड़े बनाए गए हैं, कौन से, वोलन के, ठीक है। तो शीप के हेयर से, गॉड के हेयर से जो है इनका यूज करके क्या करते हैं, इनकी स्पिनिंग करके क्या करते हैं, हम वुलन क्लॉथ बनाते हैं, ठीक है। चलिए फिर है सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स इज मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। जो फाइबर्स एनिमल और प्लांट्स से नहीं मिलते, जिन्हें केमिकल्स का यूज़ करके आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग बनाते हैं, लैब्स वगैरह में तैयार किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं। और इसके जो कुछ एग्जांपल हैं वो है आपका, देखिए पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर के, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉलिस्टर का कपड़ा थोड़ा जो है शाइनी टाइप में होता है, ठीक है, थोड़ा सा रफ़ टाइप में होता है। तो इसे हम अम्ब्रेला, देखिए अम्ब्रेला का एग्जांपल लिया हुआ, अम्ब्रेला का जो रूफ़ है ऊपर का वो बनाने के काम आता है। नायलन जो है इसको जो हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉटन की ही फैमिली का मानते हैं, कॉटन लाइक वर्किंग होता है इसका, ठीक है। इससे कि ये कपड़े आपने देखे होंगे गर्मियों में बहुत ज़्यादा कंफर्ट देते हैं, इनका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। इनको सिंथेटिक कॉटन बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कॉटन का फील्ड मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। देखिए खेती है कॉटन की, यहाँ पे देखिए कॉटन कितना सुंदर लग रहा है। ये इस जो कॉटन के जो बॉल हैं वो सारे बर्स्ट हो चुके हैं, फूट चुके हैं, उनसे जो है कॉटन निकल के बाहर आ गई है, ठीक है। चलिए कॉटन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कॉटन इज ग्रोन इन द फील्ड इन रीजन विच आर यूजली वार्म एंड हैवी हैव ब्लैक सॉइल। देखिए कॉटन को ग्रो करने के लिए किस किस फीचर की ज़रूरत होती है, वार्म उसका टेम्परेचर होना चाहिए और मिट्टी जो है वो ब्लैक, ब्लैक सॉइल में कॉटन अच्छे से ग्रो होती है। कॉटन ग्रो करने वाले जो मेनली स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए पंजाब है आपका, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, देखिए ये वो जगह हैं जहाँ पे क्या है कॉटन के क्रॉपिंग की जाती है, ठीक है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट कॉमनली कॉल्ड कॉटन बॉल्स, मैंने अभी बताया आपको जो फ्रूट होता है, जो कॉटन का प्लांट होता है उस पर जो फ्रूट लगता है कॉटन का, उसे हम कॉटन बॉल कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कॉटन होता है। और जब कॉटन मैच्योर हो जाता है तो फिर कॉटन का जो बॉल है बर्स्ट हो जाता है और ओपन हो जाता है, ठीक है। इनसाइड दीज देर आर सीड्स विच आर कवर्ड विद कॉटन, और इन कॉटन के अंदर जो है सीड्स, छोटे सीड्स भी होते हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस कॉटन बॉल्स कॉटन इज हैंड पिक्ड, इन कॉटन बॉल से जो है कॉटन को हाथों की हेल्प से निकाला जाता है, ठीक है। देन बाय द प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग, और फिर एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉटन के फाइबर्स को कॉटन की सीड से अलग किया जाता है, सीड से कॉटन को अलग करना कौन सा प्रोसेस कहलाता है आपका, गिनिंग, ठीक है। कॉटन जो है वो यूजली यूज़ होते हैं आप लोगों के, देखिए साड़ी में, कॉटन की साड़ियों में, शर्ट्स, पैंट्स, केजुअल वियर, बेडशीट, कॉटन के पर्दे वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, कॉटन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और नेचुरल फाइबर की बात करते हैं जो है जूट। देखिए जूट जो है वो हमें स्टेम से मिलता है, कॉटन हमें मिलता है फ्रूट से, कॉटन उगने का जो पार्ट है प्लांट में वो फ्रूट है, ठीक है। और जूट जो है वो है स्टेम, स्टेम बेसिकली जूट होता है, जूट के प्लांट में जो जूट बनता है, ग्रो होता है, वो स्टेम में होता है, ठीक है। और देखिए जूट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके, आपका वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम है, इन जगहों पर जो है जूट को ग्रो किया जाता है, ठीक है। और जूट की जो है फ्लावरिंग जो है और उसके जो हार्वेस्टिंग है कैसे की जाती है, व्हेन द जूट प्लांट इज़ एट इट्स फ्लावरिंग स्टेज इट इज़ हार्वेस्टेड। जब जूट के प्लांट में फूल आने लग जाते हैं ना, इट मीन्स समझ लीजिए कि वो रेडी हो गए तो उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उनकी कटाई कर ली जाती है, ठीक है। देन द स्टीम ऑफ सच हार्वेस्ट प्लांट आर इमर्ज इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज सो दैट दे रोट। उसके बाद ये इसकी स्टेम होती है ना जूट की, उसको पानी में भिगो के कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो स्टेम से जो है ना वो जो है फाइबर, जूट का जो फाइबर है वो रोट हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। और
हम क्या करते हैं, हाथों की हेल्प से उस फाइबर को उससे अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर वो फाइबर यूज़ होता है, कन्वर्ट होता है आपका यान में, यानी कि धागे में, बाय स्पिनिंग। स्पिनिंग की मदद से हम यान बनाते हैं, स्पिनिंग के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उस यान को कन्वर्ट किया जाता है फैब्रिक में, और यान से फैब्रिक में कन्वर्ट करने के भी मेथड्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए जूट का प्लांट है आपके पास, देखिए यहाँ फ्लावर आ गया, इट मींस कि जूट का जो प्लांट है वो रेडी हो गया है। इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको पानी में इमर्स कर देंगे कुछ दिनों के लिए, और फिर इसको सेपरेट कर लेंगे। अब देखिए जूट के बनी चीज़ें, देखिए आपने देखे होंगे जूट के बैग्स होते हैं आपकी, क्या कहते हैं ये रोप्स होती हैं आपकी, जूट के बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं, रस्सियों वाले। देखो आप जैसे देखेंगे गांव गांव में देखेंगे ऐसे चारपाइयाँ होती हैं रस्सियों की बनी हुई, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं जूट बैग से, जूट से सॉरी। तो देखिए प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, पहले फाइबर होता है, फिर फाइबर से स्पिनिंग करके उसका यान बनाते हैं, और इस यान को फिर क्या करते हैं उसकी वीविंग करके, उसकी बुनाई करके फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे अब डीपली पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं फाइबर टू यान, फाइबर को यान में कन्वर्ट करने को स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। मैं बता चुकी हूँ आपको कि इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, स्पिनिंग बोलेंगे, ठीक है। इन दिस प्रोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ फाइबर फ्रॉम अ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड जेंटली ट्विस्टेड सच दैट द फाइबर जेल टुगेदर टू फॉर्म गेट टुगेदर टू फॉर्म अ यान। देखिए क्या कॉटन का एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉटन के प्लांट से कॉटन को अलग करते हैं, फिर क्या करेंगे उसकी कॉटन में से हम उसके बीजों को सेपरेट कर देंगे जिसको गिनिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इस कॉटन को क्या करेंगे जेंटली ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके पतली पतली पतले 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 एकदम धागे बन जाएंगे, यान बन जाएगी। इसके लिए भी कुछ मशीन्स का यूज़ होता है जिसको मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए क्या है वो मशीन, एक तो है आपका चरखा, ठीक है, और तकली, ठीक है। देखिए पुराना है डिवाइस यूज आज चरखा एंड तकली एंड मॉडर्न डे मशीन। देखिए पुराने टाइम में तकली और चरखा यूज़ होता था, आज के टाइम में मशीन यूज होती है, स्पिनिंग की मशीन यूज़ होती है, ठीक है। चरखा जो है क्या है, चरखा इज़ द व्हील विच वॉज, देखिए महात्मा गांधी के बारे में हम सब जानते हैं, नेशनल फादर है हमारे, उन्होंने ही क्या किया था कि फॉरनर्स के चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, वॉल्यूशन करने के लिए, उन्होंने देसी कपड़े पहनने के लिए उन्होंने पहला एक मूवमेंट चलाया था जिसमें उन्होंने चरखे का यूज़ करके खुद से कपड़े बनाए थे, ठीक है, और इंडियंस को उन कपड़ों को पहनने के लिए प्रोत्साहित किया था, ठीक है। तो चरखा जो है हमें किसने प्रोवाइड किया है, महात्मा गांधी ने दिया है, ठीक है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर मेड इनटू फैब्रिक, जब हमने स्पिनिंग कर लिया चरखे से, तकली से और मशीन्स का यूज़ करके हमने फाइबर को यान में बदल दिया, अब इस यान से हम क्या करेंगे कपड़े तैयार करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल चरखा है, स्पिनिंग व्हील है, जिससे क्या हो रहा है एक लेडी जो है क्या बना रही है, यान बना रही है, थ्रेड बना रही है पतले पतले कॉटन के, ठीक है। और यहाँ देखिए स्पिनिंग मशीन है, यहाँ मशीन का यूज़ करके थ्रेड बनाया जा रहा है, ठीक है। ये मॉडर्न टेक्निक है और ये हमारा पुराना है, ठीक है। तकलियों का भी यूज़ किया जाता था गांव में, अभी भी बहुत से लोग इनका यूज़ करते हैं। अब देखिए यान तैयार हो गई है हमारी, अब हम यान से फैब्रिक बनाएंगे। यान से फैब्रिक बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है आपका वीविंग और दूसरा है नीटिंग। देखिए वीविंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू और मोर यान टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग का जो एग्जांपल है, हम लोग ने देखा है कि घरों में जो लेडीज़ बुनाई करती हैं, देखा होगा आप लोगों ने स्वेटर वगैरह बुनती हैं, सेम जो है क्या होता है मशीनों से एक दो तीन थ्रेड्स को कंबाइन करके उसकी बुनाई करके उसको कपड़े में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसे वीविंग कहते हैं, ठीक है। और वीविंग करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है वो होते हैं लूम्स। फिगर में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मशीन ले रखी है, लूम्स का यूज़ किया हुआ है। वीविंग इज़ आदर हैंड ऑपरेटेड हैंडलूम और पावर ऑपरेटेड, ये हैंड ऑपरेटेड है यहाँ पे,
यहाँ पे एक लेडी जो है इसको ऑपरेट कर रही है अपने हाथों से चला के, और ये जो है पावर ऑपरेटेड यानी बिजली से चलने वाली है, इसमें मैनुअली कुछ नहीं किया जा रहा है, बस थ्रेड को लगा देते हैं और अपने आप बुनाई चल जाती है। और इसमें हाथों की हेल्प से बुनाई की जाती है, मशीन को हाथ से घुमाया जाता है, चलाया जाता है। तो ये वीविंग थी, ठीक है। अब ये पुराना हो चुका है लेकिन अभी भी इसका यूज़ हो रहा है, बट मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं हम, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि वीविंग क्या है। चलिए अब हम पढ़ेंगे निटिंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंगल यार्न टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक इज कॉल्ड निटिंग। मैंने अभी बताया कि क्या होता है कि जो हमारे घरों में हमने देखा होगा कि जो ऊन का यूज़ करके क्या करते हैं, कॉटन का वो मटेरियल तैयार कर देते हैं।